पवनदीप राजन चोरी छुप कर अपने घर उत्तराखंड चंपावत होकर भी आ गए, लेकिन किसी को अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है। अभी तक पवन की कोई पिक्चर या वीडियो भी सामने नहीं आई है। फैंस घबराए इसलिए हैं क्योंकि अगर पवन शो करने जाते तो वो अपने फैंस को जरूर जानकारी देते, लेकिन इस बार पवन ने शो की कोई भी जानकारी नहीं दी। तो क्या कोई पर्सनल बात है? कुछ पर्सनल रीजन की वजह से पवन को उनके घर वालों ने बुलाया। कुछ फैंस का कहना है कि कहीं घर वालों ने पवन की शादी के लिए तो नहीं पवन को घर बुलाया, कहीं ऐसा ना हो कि पवन की शादी फिक्स भी कर दी गई हो। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि पवन की शादी का कोई भी मैटर नहीं है, क्योंकि पवनदीप पहले ही कह चुके हैं कि वो अभी करीब 7-8 साल शादी नहीं करेंगे और अभी वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहेंगे। भाई ये भी बात सच है कि पवनदीप उत्तराखंड जरूर गए हैं, लेकिन शादी के लिए नहीं बल्कि एक शो अटेंड करने गए थे। जी हाँ, चंपावत में एक शो अरेंज किया गया था जिसमें पवनदीप को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। यहाँ पवनदीप ने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया और एक बार फिर उनके पेरेंट्स का सीना गर्व से ऊंचा हो गया। अब चंपावत परफॉर्मेंस थी तो पवन की पूरी फैमिली पवन की परफॉर्मेंस देखने पहुंची थी। उसके बाद पवन अपने घर भी गए और यहाँ उनकी माँ ने पवन की पसंदीदा डिशेस बनाई थी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अरुणिता भी पवन के साथ गई है, लेकिन अभी तक अरुणिता की कोई पिक्चर सामने नहीं आई है, अरुणिता की अभी कोई अपडेट भी नहीं है। वहीं पवनदीप सुबह सुबह उत्तराखंड में चाय पीते दिखाई दिए, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल की जोड़ी बेस्ट जोड़ी बन चुकी है। अब जिसे मौका मिलता है वो उनकी टांग खिंचाई करता है। ऐसे में पवन अरु हर किसी के मजाक को नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन शायद अब पवन अरु बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनसे ये मजाक सहा नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार इनका मजाक आदित्य नारायण या फिर हिमेश रेशमिया नहीं उड़ाने वाले हैं, बल्कि टीवी की कॉमेडियन क्वीन भारती सिंह पवन अरुता की असली पोल खोलने वाली हैं। दरअसल इस बार के एपिसोड में भारती सिंह और उनके पति हर्ष सुपरस्टार सिंगर टू के मंच पर आ रहे हैं। ऐसे में पवन अरु को अभी से डर सताने लगा है कि ना जाने भारती उनके और पवन के रिश्ते में क्या बातें करने वाली हैं, क्या नई बात कहने वाली हैं। याद हो आपको पहले भी कपिल के शो में पवन अरुणता और भारती का आमना सामना हो चुका है, जब भारती ने पवन अरुणता का खूब मजाक बनाया था। हर्ष ने तो पवन से अरुणिता को फूल भी दिलवाया था, वो भी गोभी का फूल। हर्ष कहते हैं कि पवन ने इस मंच पर कई एक्ट्रेस को गुलाब का फूल दिया है, लेकिन जो पवन के फूल के लिए बनी है अभी तक पवन ने उसे फूल नहीं दिया है। सबके सब पवन अरुणिता को देखने लग जाते हैं और आप सोचने वाली बात यही है कि भारती क्या फिर से पवन अरुणिता की शादी को लेकर बात छेड़ने वाली है। सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से पवन अरुणिता का एक खास बिंदास वीडियो सामने आ गया है। जी हाँ, नेक्स्ट एपिसोड की इन्होंने तैयारियां कर ली हैं, जिसकी पिक्चर और वीडियो सामने आ चुकी। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि अरुणिता ब्लैक स्टाइल साड़ी पहनी नजर आ रही हैं। अरुणिता मंच पर खड़ी होकर गाने की प्रैक्टिस कर रही हैं और मौका मिलते ही वो पवन के संग बातें करने में लग जाती हैं। जी हाँ, पवन अरुणिता की सेट से एक क्यूट सी वीडियो सामने आई है जिसने फैंस का दिल खुश कर दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि सबके सब एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और हंसी मजाक हो रहा है। एक तरफ सारे जजेस यानी अलका जी, हिमेश जी, जावेद और इनके साथ नई गेस्ट बनकर आई अर्चना पूरन भी शामिल हैं। अर्चना पूरन अपने नए शो का प्रमोशन करने आई हैं, हालांकि अभी तक इनके नए शो के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अर्चना जी सोनी टीवी पर अपने नए शो को लेकर आ रही है, जिसका प्रमोशन वो सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर करने आई है। वहीं दूसरी तरफ दानिश जो की शायली कामले को तंग करने में लगे हैं। शादीशुदा शायली बहुत ही खूबसूरत लग रही है, लेकिन दानिश उन्हें तंग करने का कोई मौका खाली नहीं जाने देते हैं। और इन सब के अलावा पवन अरुणिता जिस तरह से देखा गया इन्हें, उसने सबका दिल खुश कर दिया। पवन अरुणिता दोनों एक दूसरे की बातों में खोए हुए हैं, दोनों इस कदर एक दूसरे में खोए हैं कि इन्हें कोई और दिख ही नहीं रहा है। अरुणिता अपनी चेयर को पवन की तरफ बढ़ाई जा रही है और उनकी बातों को बहुत ही गौर से सुन रही है। तो आपको इस एपिसोड में अरुणिता का लुक कैसा लगा, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता का कल एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें तमाम सवाल जवाब पूछे गए। उनकी शादी से लेकर करियर तक के कई सवालों का पवन अरुणिता ने बेझिझक जवाब दिए। पवन से जब पूछा गया कि वो शादी कब करने वाले हैं और किससे करने वाले हैं, तो पवनदीप ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी। पवनदीप ने कहा कि अभी शादी का कोई प्लान नहीं है और अभी क्या बल्कि 6-7 साल तक मैं शादी नहीं करने वाला। पवनदीप ने कहा भी मेरा मन शादी का है ही नहीं और जब करूंगा तो सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि मैं शादी किससे करूं। मैं पवनदीप ने कहा कि इस वक्त मेरा पूरा फोकस मेरे करियर पर है, मैंने अपने लिए एक टाइम टेबल बना रखा है जिसके हिसाब
से मैं पूरा दिन काम करता हूँ। मैं अभी सेटल नहीं होना चाहता, मैं अभी स्ट्रगल करना चाहता हूँ, अभी बहुत मेहनत करनी है, फिर कहीं जाकर मैं सेटल हो पाऊंगा। पवनदीप ने कहा कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, हर कोई अपने हिसाब से जी रहा है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अभी काम पर ध्यान दूं और जब तक एक अच्छे मुकाम तक मैं नहीं पहुँच जाता तब तक मैं शादी के बारे में नहीं सोचूंगा। वहीं आपको बता दें अरुणिता ने क्या कहा। अरुणिता ने कहा कि शादी के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जब फैमिली जाएगी तो करूंगी। वहीं अरुणिता ने ये भी बताया कि वो सुबह में बहुत लेट उठती हैं और इसकी वजह है कि वो रात में देर तक काम करती हैं, ऐसे में सुबह जल्दी उठना मुश्किल होता है। अरुणिता ने बताया कि वो उठते ही फोन चेक करती हैं कि कहीं ये फोन पवनदीप का तो नहीं है या उनकी फैमिली का तो नहीं है। अनिता ने बताया कि वो बेड से नीचे उतरने से पहले कॉल बैक करके पहले बात करती हैं। भाई आपको बता दें सुबह सुबह अनिता को इम्पोर्टेंट कॉल पवनदीप का होता है या फिर उनके माता पिता का होता है, इसलिए अनिता सबसे पहले फोन चेक करती हैं और बात करती हैं। सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर पवन अरुणिता ने कल रविवार वाले एपिसोड में धमाल मचा दिया। हर कोई अरुणिता को एक टक देखता ही रह गया। जी हाँ, जब अरुणिता फैज के साथ मंच पर गाना गाने आई तो पवनदीप भी चौंक गए और वो अरुणिता को देखे ही जा रहे थे। अरुणिता और फैज मिलकर तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है गाना गाते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर जो सुरताल लगाए वो सभी को बहुत पसंद आया। फैज की परफॉर्मेंस वाकई धमाल मचा रही है, लोगों को खूब पसंद आ रही है। फैज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, नंबर वन पर लोग फैज को देख रहे हैं, हर कोई ने पसंद करा है। इतना नहीं, फैज को ही सुपरस्टार सिंगर 2 के विनर माना जा रहा है क्योंकि अभी तक फैज को टक्कर देने वाला कोई कंटेस्टेंट ही नहीं दिख रहा है। और अरुणिता जिस तरह से फैज की हर तरफ से मदद कर रही हैं उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अरुणिता फैज को विनर बनाने में पूरी ताकत लगा देंगी। वहीं जब अरुणिता फैज के साथ गाना गाती हैं तो पवन के होश उड़ जाते हैं, पवन उन्हें गौर से देखते ही रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, ऐसा लग रहा था कि अरुणिता पवन एक दूसरे से गाने के जरिए बातें करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं और पूरी पूरी बात कह जाते हैं। अरुणिता जब कहती है कि तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है तो पवन सर हिलाकर बोलते हैं कि वाकई तुम जान ही हो मेरी, तुम क्या चीज हो तुम्हें भी मालूम नहीं है। पवन बहुत खुश नजर आ रहे हैं और हल्के हल्के होंठों से गाते जा रहे हैं। पवन अरुणिता की तरफ खड़े होकर बार बार यही लाइन बोल रहे हैं। पवन का ये प्यार रोमांस कैमरे में कैद हो गया और अरुणिता इस वीडियो को देखकर बहुत खुश हो रही है। अरुणिता बार बार पवन का ये वीडियो देख रही है।